नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं BLI 223 की बुकलेट नंबर 1 का यूनिट नंबर 4, जिसका टाइटल है कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग उसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द मेजर स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम्स मेजरली यूज होती है हमारे लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के फील्ड में, उसके बारे में देखेंगे। डिसिप्लिन एंड मेन क्लास, मेन क्लास के बारे में समझेंगे, मेन क्लास क्या होती है। फिर कुछ नोटेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे, DDC में, UDC में, LDC में, LCC में और CC में, मतलब इन सब के जो फुल फॉर्म है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी कांग्रेस ऑफ क्लासिफिकेशन और कुलन क्लासिफिकेशन, इनमें नोटेशंस कैसे इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में समझेंगे। एक्सटेंड एंड यूज़ ऑफ पॉपुलरिटी, कितनी पॉपुलरिटीज़ हैं DDC के बारे में, UDC की, LCC की और CC की, इसके बारे में समझेंगे। फिर इनका हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेजर क्लासिफिकेशन स्कीम के इंट्रोडक्शन से। ये देखिए, ये हमारे पास कुछ मेजर क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं। याद करिए, इससे पहले वाले चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था या हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम को बनाते समय कौन कौन से प्रिंसिपल्स का, कौन कौन से सिद्धांतों का या कौन कौन से कैनन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने हमें बताए थे। अब उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी क्लासिफिकेशन स्कीम्स बनी हैं। कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम रंगनाथन के कैनन के बनाने से पहले बन गई थी, जैसे DDC, और कुछ चीज़ें बाद में सुधरी हैं, मतलब उसमें कुछ एडिशन किया गया है, उसमें कुछ सुधार किया गया है। और ये सारी लगभग हमारे पास 10 मेजर क्लासिफिकेशन स्कीम्स बनकर आई हैं। लेकिन आपको ये सारी स्कीम्स नहीं पढ़नी है, कुछ मेजर स्कीम्स पढ़नी है हमें। ये 10 की 10 क्लासिफिकेशन स्कीम्स नहीं पढ़नी है। जैसे हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में DDC कहते हैं। ये 1876 से चली आ रही है, मतलब इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था 1876 में आया था, और आज भी हम इसी क्लासिफिकेशन स्कीम को यूज़ करते हैं, बस इसके एडिशन चेंज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा CA कटर एक्सपेंशन क्लासिफिकेशन 1893 में आया था। ये CA कटर के एक फिलोसोफर हैं, एक थिंकर हैं हमारे लाइब्रेरी साइंस में, इन्होंने क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई थी जो 1893 से चली आ रही है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC 1855 से चल रही है, 1895 से चल रही है। ये भी एक्चुअल में डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का ही एक्सटेंड वर्जन है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। और उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन LCC, ये 1903 में बनी थी और आज भी ये कंटिन्यू है। एंड देन लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रंगनाथन कोलन क्लासिफिकेशन, जो रंगनाथन सर ने बनाया था 1933 में। चलिए, ये कुछ मेजर क्लासिफिकेशन स्कीम है, उनके बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ दे सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बिगन इन 1876। 1876 में जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्लासिफिकेशन स्कीम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन स्कीम है। इससे पहले कैसे क्लासिफिकेशन होता था, मैंने शायद कभी अपनी वीडियो में आपको बताया होगा कि इससे पहले सिर्फ हम लोग बुक्स को उठाते थे और रख देते थे। उनको सुरक्षित रखना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता था कि ये बुक्स रख दी जाएँ अलमीरा में या एक जगह कहीं पर लाइब्रेरी में, और इनको कोई छुए ना, इनको कोई उठाए ना, इन पे कभी डस्ट ना पड़े, ये कहीं फट ना जाएं, बस इस चीज़ का ख्याल रखकर हम लोग बुक्स को रखते थे, या यही मेजरली जो काम हुआ करता था लाइब्रेरीज का ये था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होते होते हमने कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम को डेवलप किया, और हमने समझा जब डॉक्टर SR रंगनाथन ने 5 लॉज प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस के दिए थे, 5 लॉज बताए थे, तो उन्होंने बताया ना, बुक्स आर फॉर यूज़, इनको रखना या सजाने की चीज़ें नहीं है, इनको इस्तेमाल करना होगा। और फिर वहाँ से धीरे धीरे हम लोग के माइंडसेट में चेंज आया, हमने बुक्स को पढ़ना, उनको यूज़ करना या उनको सही से इस्तेमाल करना सीखा था। तो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन स्कीम है उसकी जो नींव रखी गई थी, उसका जो पिलर था वो हुआ था डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन से, जो हुआ था 1876 में। इट यूज स्प्रेडली वेरी क्विकली एट इट नीटली एंड इंस्टेंटली सॉल्व मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स बींग फेस्ड बाई द लाइब्रेरियंस इन द सेल्फ अरेंजमेंट एंड डिस्प्ले ऑफ बुक्स। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास थी और ये हमने कुछ मेजर क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में देखा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिसिप्लिन एंड मेन क्लास, कुछ देखेंगे सब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करते समय या क्लासिफिकेशन करते समय हमें कैसे
डिसिप्लिन में बांटा जाता है अलग अलग डिसिप्लिन में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे मेन क्लासेस में हम लोग इसको कैसे बांटते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम अलग अलग तरीके से अपनी मेन क्लासेस बनाती हैं। ऑल द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आर द फर्स्ट डिवाइड बाई डिसिप्लिन। अ डिसिप्लिन इज अ फंडामेंटल फील्ड ऑफ टेक्निक एंड लर्निंग। अ डिसिप्लिन इज अ मेजर चंक ऑफ नॉलेज कैरेक्टराइज बाई द सिमिलरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी और यूज ऑफ कॉमन रिसर्च मेथोलॉजी। देखिए, जब भी हमें किसी भी सब्जेक्ट को, या मैं ऐसे कहूँ यूनिवर्स की नॉलेज को, हमें अलग अलग डिसिप्लिन में बांटना है, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना है, तो जो डिवीज़न का सबसे पहला पार्ट बनेगा यूनिवर्स की नॉलेज इंडिया सॉरी वर्ल्ड में, या मैं कहूँ यूनिवर्स में जितनी भी नॉलेज है उसको हम लोग पहले डिवाइड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेजर क्लासिफिकेशन आता है वो आप देखिए आता है साइंस, ह्यूमनिटीज़ और सोशल साइंस। पूरी नॉलेज को, पूरे यूनिवर्स की नॉलेज को या तो हम लोग साइंस में डिवाइड कर सकते हैं, साइंस डिसिप्लिन में, या तो हम लोग ह्यूमनिटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग सोशल साइंस में कर सकते हैं। देखिए, ये यूनिवर्स की नॉलेज का पहला डिवीज़न हुआ। अब इसके बाद फर्दर डिवीज़न कर सकते हैं हम लोग, जैसे साइंस में देखें तो साइंस में हम लोग फिर फिजिक्स करते हैं, मैथ फिजिक्स करते हैं, बायो करते हैं, केमिस्ट्री करते हैं, और फिर इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। फिजिक्स को भी हम लोग बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं और बायोलॉजी को डिवाइड करते हैं। जैसे सोशल साइंस है, सोशल साइंस में हमारा हिस्ट्री आता है, सोशल साइंस में हमारी ज्योग्राफी आती है, सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे अगर सोशल साइंस देखें, याद करिए अपने वो डेज जब आप स्कूल में थे, सोशल साइंस का क्लास होता था, या सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री, सोशल साइंस में ही ज्योग्राफी पढ़ते थे, सिविक्स जिसको हम लोग बोलते थे, तो वो सोशल साइंस था। अब सोशल साइंस में भी हिस्ट्री आ गई। सपोज करिए मैंने सोशल साइंस का डिवीज़न किया हिस्ट्री में, फिर हिस्ट्री को फिर फर्दर डिवाइड किया एशियंट में, फिर मेडिवल में और मॉडर्न में, फिर हो सकता है मेडिवल को भी बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड करें, खिलजी पहले आए थे, फिर लोधी आए थे, फिर मुगल आए थे, ठीक है, ऐसे अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें तो। तो आप देखिए, पूरी यूनिवर्स के नॉलेज को हमने पहले मेजर तीन डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया। तीन डिसिप्लिन्स में डिवाइड करने के बाद फिर फर्दर हम लोग क्लासीफाई करेंगे उनको मेन क्लासेस में, ठीक है। तो ये था हमारा डिवीज़न। नेक्स्ट अब हमारा मेन क्लास, हमने जो हमारे डिसिप्लिन थे, ये जितने हमने डिसिप्लिन बनाए थे साइंस, ह्यूमनिटी और इसको, फिर हमने इनको डिवाइड किया है क्लासेज में, मेन क्लासेज में। देखते हैं क्या क्या है ये। अ डिसिप्लिन और अ सब्जेक्ट डिसिप्लिन इज फर्दर डिवाइडेड ऑन द सेम बेसिस इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड मेन क्लासेस। हमने जो डिवीज़न किया था या जो हमने यहाँ पे डिसिप्लिन्स बनाए थे उसको फिर फर्दर हमने डिवाइड किया और उसको नाम दिया हमने मेन क्लास। द मेन क्लासेस इज एनी स्ट्रीम फॉर द फर्स्ट एंड मंडी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एरे ऑफ द डिवीज़न ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का एक सेकेंड स्टेप है क्लासीफाई करने का। जो हमारे डिसिप्लिन थे, डिसिप्लिन यूनिवर्स की नॉलेज में पहले हमने डिसिप्लिन डिवाइड किया, डिसिप्लिन के बाद हमने मेन क्लासेस बनाई। द स्कोप एंड नंबर ऑफ मेन क्लासेस वेरी फ्रॉम द सिस्टम टू सिस्टम एंड टाइम टू टाइम। फॉर एग्जांपल, एस्ट्रोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन कोलन क्लासिफिकेशन जो आया था 1963 में, इसको बनाया गया था, वाइल DDC इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लास। देखिए, अब जो मेन क्लास बनाने का काम है, डिसिप्लिन के बाद जो मेन क्लास बन रही है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास आप देखिए यहाँ पे जितनी सारी क्लासिफिकेशन स्कीम है, इन सभी क्लासिफिकेशन स्कीम में हो सकता है कि कोई एक सब्जेक्ट DDC के किसी एक क्लास में आए बट वही सेम चीज़ किसी दूसरे में इंडिपेंडेंट हो जाए, या कोई एक क्लासिफिकेशन में कोई सब्जेक्ट किसी के अंडर में काम करे या अंडर में रखा जाए लेकिन किसी दूसरी क्लासिफिकेशन स्कीम में वो एकदम इंडिपेंडेंट हो, अपने आप में फ्री हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है ना कि मेन क्लासेस वेरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम एंड टाइम टू टाइम, आप किस क्लासिफिकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं और किस टाइम में कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि वो मेन क्लास कहाँ रखी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल आपका बताया गया है कि कोलन क्लासिफिकेशन में जो एस्ट्रोनॉमी है वो मैथमेटिक्स का पार्ट माना गया है, यानी मेन क्लास होगी मैथमेटिक्स और उसका एक सब पार्ट होगा एस्ट्रोनॉमी, बट DDC में इसको एक अलग से इंडिपेंडेंट क्लास के रूप में माना गया है। आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक क्लासिफिकेशन स्कीम में मेन क्लासेस क्या थी। अब हम लोग मेन क्लासेस पढ़ रहे हैं और मेन क्लासेस में देखेंगे कि DDC में, UDC में, LDC में और CC में कौन कौन सी मेन क्लासेस हैं।
ये देखिए अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डीडीसी का, अ कंस्ट्रक्टेड बाई इट्स डेसिमल नोटेशन इन द डीडीसी द डिसिप्लिन बेस्ड मेन क्लास आर नंबर्ड 1 to 9। देखिए 1 से लेकर 9 तक का जो मेन क्लास है इन्होंने यहाँ पे बनाया है, एंड द जनलिया क्लासेस डिनोटेड बाय 0 प्रेसिडेड देम, द मेन क्लास ऑफ द डीडीसी एज डिनोटेड बाय अ मिनिमम ऑफ 3 digits आर, ये इसके मेन क्लास हैं। देखिए डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो मेलविल डेवी थे जिन्होंने ये डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई थी, उन्होंने पूरी वर्ल्ड की यूनिवर्सल नॉलेज को 10 मेन क्लासेस में डिवाइड कर दिया। जैसे उन्होंने 000 जो पहली मेन क्लास थी, क्योंकि उन्होंने कैसे नंबर्स इस्तेमाल किए हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं नंबर्स, ये अरेबिक नंबर्स हैं, 000 जर्नलिया। अब देखिए इसमें इन्होंने फिर फर्दर जब डिवीज़न होगा, आगे पढ़ेंगे जब क्लासिफिकेशन स्कीम्स डिटेल में, तो वहाँ पे आप देखेंगे। अब जर्नलिया में इन्होंने बहुत सारे टॉपिक दे दिए होंगे, फिर 100, मैं इसको 100 नहीं पढ़ूंगा, ये 100 नहीं पढ़ा जाता है, ये 200 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 100 है। अब इसके बाद फर्दर अगर मुझे आगे डिवीज़न करना होगा, सपोज़ करो फिलॉसफी को या साइकोलॉजी को, तो मैं 100 डेसिमल लगाकर फिर आगे जो मैं इसका फर्दर डिवीज़न करूँगा वो यहाँ पे लिखूँगा। तो ये 100 में इन्होंने फिलॉसफी साइकोलॉजी रखी है, 200 में रिलीजन, ऐसे ही नेक्स्ट है साइंस, फिर लिंग्विस्टिक, नेचुरल साइंस, टेक्नोलॉजी, और इसमें अप्लाइड साइंस भी इंक्लूड किया है, आर्ट्स में इसमें जितने भी आर्ट्स फॉर्म हैं वो सारे रखे हैं, लिटरेचर, और यहाँ पे ज्योग्राफी, बायोग्राफी एंड हिस्ट्री। देखिए 900 के बाद कोई नंबर तो था नहीं, क्योंकि 900 के बाद फिर हम लोग फिर से वहीं जीरो आ जाते हैं, क्योंकि 100 का लेके चल रहे हैं, 100 200 पढ़ूंगा नहीं 100, लेकिन समझाने के लिए 100 200। अब नीचे कुछ बचा नहीं था, तो इन्होंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री को एक साथ मर्ज कर दिया, मतलब 900 में ही ज्योग्राफी भी है, 900 में ही हिस्ट्री भी है। तो ये थे डीडीसी के मेन क्लास। नेक्स्ट है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब आप कहेंगे सर ये ब्लैंक है, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं, ये जानबूझ के किया गया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो ये भी कैसी क्लासिफिकेशन है, डेसिमल क्लासिफिकेशन है। मेलविल डेवी ने डीडीसी बनाई थी, तो यहाँ पे डी की जगह डेवी का नाम ले लिया, टाइटल ले लिया, और इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, थोड़ा सा चेंज करके, है वही चीज़ें, बस थोड़ा सा अंतर यहाँ पे दिखाया गया, इसलिए यहाँ पे यूडीसी कर दिया। सेम चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, जो चीज़ें आप यूडीसी में पढ़ते हैं वही डीडीसी में पढ़ते हैं, जो मेरिट्स डीडीसी के हैं जो वही मेरिट्स आपके यूडीसी में मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत कुछ बताने के लिए था नहीं, लेकिन अगर मैं यूडीसी का जिक्र नहीं करता तो आप कहते सर आपने यूडीसी छोड़ दिया, उसके बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए चीज़ें मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखी हैं। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम देखते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे देखते हैं LCC, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो ये कांग्रेस वर्ड है, ये हमारे भारत की जनता पार्टी, सॉरी हमारी जो कांग्रेस है उसकी पार्टी के नाम से ये नहीं रखा गया है, ये अमेरिका में जो वहाँ की संसद होती है, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कांग्रेस, और ये चीज़ें वहीं के लिए डेवलप की गई थी। अमेरिका के लाइब्रेरीज़ में या अमेरिका की कांग्रेस में की लाइब्रेरीज़ को क्लासिफिकेशन करने के लिए, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ पे जो बुक्स रखी गई हैं, उनको क्लासिफाई करने के लिए एक अलग से ही क्लासिफिकेशन स्कीम को डेवलप किया गया था। उसी क्लासिफिकेशन स्कीम को हम लोग लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, LCC divides the entire field of knowledge into 21 main class. Important point. LCC कितनी main classes में divide करता है universe की knowledge को? 21 main classes में. और DDC कितनी करता था? 10. ये देखिए DDC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 main classes में divide करता है DDC, और इसी तरह जो हमारा LCC है ये पूरी universe knowledge को 21 मेन क्लासेस में डिवाइड करता है। ईच आइडेंटिफाइड बाई अ सिंगल कैपिटल लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, और आप यहाँ पे देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCD पढ़ ली हमने। तो यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्स की नॉलेज है उन सबको यहाँ पे 21 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ IOWXY ये ब्लैंक रखे गए हैं। आप यहाँ ABCD पढ़ लीजिए पूरी,
आपको आई नहीं मिलेगा, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे आपको ओ नहीं मिलेगा, आपको डब्ल्यू नहीं मिलेगा, देखिए ब्लैंक हो गया है, वाई नहीं मिलेगा और एक्स नहीं मिलेगा, ये वैकेंट रखे गए हैं, खाली रखे गए हैं, ये मेन क्लासेस खाली हैं। फर्दर कभी फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ी तो ये जो ब्लैंक मेन क्लासेस हैं हम लोग इसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है द लेटर आई ओ डब्ल्यू एक्स वाई हैज़ नॉट बीन असाइन सब्जेक्ट एरिया बट कुड बी यूज फॉर फर्दर एक्सपेंशन, कभी फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, आपकी बुक में भी होगा, ए जनरल वर्क, बी फिलोसफी साइकोलॉजी रिलीजन, सी इलेक्शन साइंस ऑफ हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे करके आपको देखिए साइंस दिया है क्यू में, आर मेडिसिन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिलिट्री साइंस नेवल साइंस बायोग्राफी लाइब्रेरी साइंस, ऐसे करके सारी जितनी भी मेन क्लासेज हैं आपको ये याद करनी पड़ेंगी। हाँ, ये मेन क्लासेज अगर LCC आप पढ़ रहे हैं तो याद करना पड़ेगा, DDC पढ़ रहे हैं तो मेन क्लासेज जो 001, 100 और 200 हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी, मेन क्लासेज याद रखनी पड़ेगी, फर्दर उसके बाद में आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कोलन क्लासिफिकेशन, किसने बनाया था, डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने, देखते हैं इसके बारे में। कोलन क्लासिफिकेशन इज ए सिस्टम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय SR रंगनाथन, द फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1933। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने जो कोलन क्लासिफिकेशन बनाया था उसका फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था, 1933 में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DDC क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन किस ईयर में पब्लिश हुआ था, आप बताइएगा नीचे कमेंट्स में। सिंस देन 6 मोर एडिशन हैज़ बीन पब्लिश्ड, मतलब 1933 में फर्स्ट एडिशन एंड देन उसके बाद 6 मेजर एडिशंस इसके बाद में पब्लिश हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कितने मेजर एडिशंस DDC के डेवलप हुए हैं या पब्लिश हुए हैं अब तक। चलिए मेन क्लासेस देखते हैं, ABCDEFGHIJKLM, फिर देखिए यहाँ पे एक डेल्टा दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा है, NO, यहाँ देखिए MNOPQRSTUVWXYZ, आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, स्लैश लगा के वही क्लासिफिकेशन स्कीम दे रखी है, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए दिया, बुक में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, चीज़ वही है बस मेरे लिखने का तरीका और उनके लिखने का तरीका अलग है। जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे LCC में तो आपकी बुक में थोड़ा सा अलग से लिखा गया हुआ है, उन्होंने मर्ज करके लिखे हुए हैं सिम्बल्स, मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझने के लिए इनको अलग कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर कितनी मेन क्लासेस हो गई, 26 तो अल्फ़ाबेट और एक ये देखिए 27, ठीक है, ये डेल्टा करके एक नया यहाँ पे बनाया गया है जिसको हमने, आप एकदम देखिए सेंटर M और N के बीच में रखा गया है, मतलब 26 थे 26 को डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे इन्होंने एकदम सेंटर पे रखा है। तो 27 मेजर क्लासिफिकेशन स्कीम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, LCC में कोलन क्लासिफिकेशन में कितनी मेजर मेन क्लासेस हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 27। चलिए ये थे हमारे, आप पढ़ लीजिएगा, याद करना हो क्योंकि कोलन क्लासिफिकेशन है, रंगनाथन सर ने बनाया है, आपको याद करना पड़ेगा या याद रहना भी चाहिए आपको। नेक्स्ट नोटेशंस, अब हम लोग देखते हैं नोटेशंस, याद करिए अपना थर्ड चैप्टर नोटेशन प्लेन्स हमने पढ़े थे। नोटेशन प्लेन्स में डॉक्टर SR रंगनाथन ने बताया था कि नोटेशंस क्या होते हैं, हेल्प करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन स्कीम को ज़्यादा साइंटिफिक और ज़्यादा हेल्पफुल बनाने के लिए। अब उन्हीं नोटेशंस का हम लोग यहाँ पे बारे में पढ़ेंगे कि नोटेशंस कैसे हेल्पफुल होते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम के लिए। नोटेशन एंड एडजस्ट मतलब हेल्पफुल, या ऐसे पढ़ सकते हैं इसको, नोटेशन एंड हेल्पफुल ऑफ क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट विजिबल फीचर ऑफ अ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम, इट इफिशेंसी एंड यूजर फ्रेंडलीनेस मोस्ट डिटरमाइन द क्वालिटी एंड पॉपुलरिटी ऑफ एनी सिस्टम। नोटेशन किसी भी क्लासिफिकेशंस के लिए एक इको फ्रेंडली मतलब फ्रेंडली चीज़ है, इफ़ेक्टिव चीज़ है और यूज़र फ्रेंडली है, आप इसको इस्तेमाल करते समय आपको बहुत सहूलियत होगी। जैसे मैं अगर DDC की बात करूं तो जो DDC में डेसिमल लगाते हैं वो डेसिमल लगाने का यही मकसद है कि आपको जो मेन क्लास है और जो उसकी सब क्लास है, जैसे सपोज करो एक लंबी आपको DDC में क्लास नंबर अगर आपको मिलता है तो वो क्लास नंबर आपको बहुत आसानी से याद रहे, बस इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए DDC में आपको डेसिमल लगाया जाता है। डेसिमल लगने से आप सपोज करिए एक बड़ा नंबर है 5 डिजिट का या 8 डिजिट का,
बट आप 3-3 डिजिट के बाद अगर डेसिमल लगाते जाएंगे तो उसको आपको याद करना या आपको समझना आसानी होगी। तो जो भी हमारे नोटेशंस लिखे जाते हैं क्लासिफिकेशन स्कीम में, वो सिर्फ आपकी हेल्पफुल के लिए है, आपका क्लासिफिकेशन स्कीम आसान हो सके, साइंटिफिक हो सके और समझने में आसानी हो, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। अ नोटेशन शुड कंसिस्ट्स ऑफ फैमिलियर डिजिट्स विच कन्वे देयर ऑर्डर ऑब्वियसली, शुड शो सिंथेटिक एंड हायरार्की ऑफ सब्जेक्ट्स, फर्दर इट शुड बी ब्रीफ निमोनिक्स एंड मस्ट बी हॉस्पिटल टू द न्यू सब्जेक्ट्स। बस ये यही बात लिखेगी कि आपका ये जो ऑर्डर होता है उसको सीक्वेंसिंग में देने के लिए और आपके लिए हेल्पफुल हो सके, आप याद करने में आपको जो क्लास नंबर है, मेन क्लास नंबर है, वो आपको आसानी हो, उसके लिए हम लोग नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। DDC में देखते हैं कैसे नोटेशंस इस्तेमाल होती हैं। DDC इन्वेंटेड द यूज़ ऑफ इंडो अरेबिक डेसिमल नोटेशन। पॉइंट है, इंडो अरेबिक डेसिमल नोटेशन टू डिनोट सब्जेक्ट एंड देयर फर्दर सब डिविजन, अ डॉट, डॉट यहाँ पे डेसिमल है, अ डॉट इज पुट आफ्टर द 3 डिजिट। देखिए हर 3 डिजिट के बाद एक डॉट मिलेगा आपको, ओनली एज अ पार्टिंग डिवाइसेस विच हैज़ नो मैथमेटिकल और सिमेट्रिक वैल्यू। डेसिमल लगाने से कोई मैथमेटिकल वैल्यू को शो नहीं करता है, वो सिर्फ आपके यूज़ के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है, उसका कोई मैथमेटिकल टर्म या मैथमेटिकल यूज़ नहीं है, ठीक है, वो एक तरह का सिंबल है, आप उसको ध्यान रखिए। जैसे 520 में एस्ट्रोनॉमी एंड एलाइड साइंस का एक क्लास है। अब इसी को जब हम डिवाइड करते हैं, 502 को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड होता है 520 डेसिमल या 0.1 और फिर हम इसमें फिलॉसफी एंड थ्योरी डाल देते हैं। उसी तरह से 520 के बाद जब 521 आता है सेरेस्ट्रियल मशीन्स, 522 में आता है टेक्निक्स इक्विपमेंट मटेरियल, 523 में आता है स्पेसिफिक सेलेस्टियल बॉडी एंड फिनोमिना। अब देखिए 523 को हम डिवाइड करेंगे फर्दर, 523.1, 23.3, डेसिमल 4, डेसिमल 5, डेसिमल 6, डेसिमल 7, डेसिमल 8, डेसिमल 9 और ऐसे फर्दर। अब देखिए हमने स्पेसिफिक सेलेस्टियल बॉडी एंड फिनोमिना, सेलेस्टियल बॉडीज यानी हमारा जो सोलर सिस्टम उसको हमने डिवाइड किया, तो ये आया 1 में यूनिवर्स, स्पेस, गैलेक्सी है, फिर आया सोलर सिस्टम, फिर मून, प्लैनेट, मीटराइट, सोलर विंड्स, कॉमेट्स, सन, स्टार, सेलेस्टियल रिंग्स, एक्लिप्स, ट्रांजिट और अक्लिशंस। अब देखिए हमने जो मेन एक क्लास थी जिसका नाम था 2523, इस 523 को हमने फर्दर डिवाइड किया और डिवीजन करते समय बस डेसिमल लगाकर हमने एक नई चीज़ बना दी, एक नया नंबर बना दिया, ठीक है, ये था डेसिमल का इस्तेमाल DDC में। UDC में देखिए मैंने पहले बताया था DDC और UDC में लगभग चीज़ें एक तरह से हैं, सेम हैं, बस यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, मे भी शायद आपको ये डार्क चीज़ लग रही हो, समझ में ना आ रहा हो, बुक में देखिएगा, ये टेबल मैंने आपकी बुक से ही कॉपी की है। देखिए यहाँ पे सिंबल है प्लस, फिर स्लैश, कोलन, ट्रिपल डॉट, यहाँ पे ये स्क्वायर में 4 डॉट हैं, इज इक्वल टू 0 ट्रिपल डॉट 1 ऑब्लिक 9, ये सिंबल्स हैं, ये देखिए ये सिंबल्स हैं और ये उसका फंक्शंस हैं। जैसे प्लस का जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेट करने का है, जैसे एग्जांपल 02 जो मेन क्लास है, अगर उसमें प्लस करके 07 क्लास लिखनी हो तो हम लिखेंगे लाइब्रेरी साइंस एंड जर्नलिज्म, 02 लाइब्रेरी साइंस है और उसमें अगर हमें जर्नलिज्म ऐड करना है तो 02 प्लस 07 लिखेंगे, और जो प्लस लगा रहे हैं उसका मतलब है कोऑर्डिनेट। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, कोई मान लीजिए स्लैश, स्लैश का मतलब है कंसेक्यूटिव एक्सटेंशन, मतलब एग्जांपल देखते हैं 5 ऑब्लिक C, 5 का मतलब है साइंस और ऑब्लिक का मतलब है यहाँ पे टेक्नोलॉजी। तो अगर आप ये कोलन क्लासिफिकेशन में जितने सिम्बल्स दिए हुए हैं, सॉरी कोलन नहीं, UDC में जितने सिंबल्स दिए हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे इक्वल टू है, इक्वल टू का जो मतलब है, इसका जो फंक्शन होता है इक्वल टू का, मतलब वो लैंग्वेज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 02 इक्वल टू 161.1, आप अपनी बुक में देखिएगा अगर यहाँ पे चीज़ें क्लियर ना हो रही हों तो 02 का मतलब हुआ लाइब्रेरी साइंस और 161.1 का मतलब हुआ रशिया, ये रशियन लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है। जैसे लैंग्वेज इक्वल टू के लिए लैंग्वेज है, तो जब आपने 02 के आगे इक्वल टू लगा दिया तो मतलब लाइब्रेरी साइंस को आपने कनेक्ट कर दिया किससे, रशियन लैंग्वेज से। तो ये जो कंजक्शन या कनेक्टिंग सिंबल हुआ इक्वल टू, ये आपको लैंग्वेज की डिनोट करता है। इसी तरह से आप ये सारे सिंबल्स को अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं LCC,
लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, यहाँ पे देखते हैं कैसे किया है। एज सेड अर्लियर द नोटेशंस पढ़ रहे हैं हम लोग, नोटेशंस कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। एज सेड अर्लियर द एलसीसी यूज्ड टू रोमन कैपिटल्स फॉर इट्स मेन क्लास। द एंड ऑफ द टू डिजिटल अल्फाबेट इज फर्दर डिवाइडेड बाई अर्थमेटिकल नोटेशंस। द नोटेशन बींस moderately mixed and the large base from A to Z and further division like AA to VZ and Z। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं, AA मतलब A कोई क्लास था, उसके साथ एक और A जोड़ दिया, ये भी एक सिंबल की तरह इस्तेमाल हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए QD, यहाँ पर दो सिंबल्स, Q एक क्लास है, D एक क्लास है, उसके साथ उसके आगे 149। याद रखिएगा DDCA में सिर्फ न्यूमेरिकल्स इस्तेमाल हुए थे और डेसिमल का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन यहाँ पे LCC में न्यूमेरिकल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब 1, 4, 3, 8, 7 डिजिट भी इस्तेमाल हो रहे हैं और यहाँ पे अल्फाबेट भी इस्तेमाल हो रहे हैं। QD, यहाँ पे QQ भी हो सकता था, QJ भी हो सकता था, कोई भी एक जो इन्होंने क्लासिफिकेशंस करने के लिए बताया गया वो कर सकते थे। अब देखिए जैसे यहाँ पे QD 149 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताता है, ये जो क्लास है ये क्लास नंबर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता रहा है। QD 149.5 ये बताता है जनरल वर्ग को, और आपके सामने ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये था हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मोर ओवर लेटर्स IOWX and Y आर स्टिल वैकेंट, ये पॉइंट इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा कोलन क्लासिफिकेशन, इसमें देखते हैं क्या है। Notations of colon is a highly water mark of a library notation. It is a comprehensive system in itself and is built on systematic canons and devices. Notation in CC comprise 74 digits. Important point. Colon classification में total कितने notations का प्रयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है? Answer is 74 digits. 74 तरह के notations का इस्तेमाल कोलन क्लासिफिकेशन में हुआ है, अभी हम लोग देखेंगे। बिलोंग टू अ 6 स्पीसीज ऑफ डिजिट, जिसको हम लोग 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ए से जेड तक मेन क्लास, ए और जेड मेन क्लास कितनी है 26। हमने याद रखिएगा एम और एन के बीच में एक ग्रीक लेटर भी लगाया था डेल्टा वाला, ठीक है ये वन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा कोलन क्लासिफिकेशन, M और N के बीच में एक डेल्टा लगा हुआ है, ठीक है ये भी एक मेन क्लास बनाई गई थी। तो टोटल हमारे पास 26 मेन क्लास और एक ग्रीक लेटर, तो टोटल कितनी हो गई 27 मेन क्लास हो गई, मैंने आपको बताया था। इसी तरह से 0 से लेकर 9 डेसिमल नोटेशन फॉर आइसोलेट नंबर्स, डेसिमल नोटेशंस का इस्तेमाल किया गया है वो है 10। A से Z छोटे, यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर्स होंगे, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स इसमें भी छोड़े गए हैं, ILO ये तीन चीज़ छोड़ दी गई हैं, तो हमारे पास स्मॉल लेटर्स की संख्या बन गई 23। स्पेशल इंडिकेटर्स जिसमें डैश और ये स्टार और ये एरो बना हुआ है, जिसमें तीन ये हो गए। ऑर्डिनरी इंडिकेटर्स एंड कॉमा डॉट कॉलन सेमी कॉलन फिर कॉमा फिर डैश इज इक्वल टू, ये वाला डैश नहीं है सॉरी, डैश इज इक्वल टू और एरो, यहाँ पे देखिए ये वाला एरो था, यहाँ पे ये वाला एरो है, फिर प्लस और ये इन्वर्टेड कॉमा, इन सब को मिला देंगे टोटल तो हो जाएगा 11। और इन सब को काउंट कर लीजिए 26 + 1 + 10 + 23 + 3 + 11, आपको जो टोटल मिलेंगे नोटेशंस वो हो जाएंगे 74। आपकी बुक में ही टेबल फॉर्म में दिया है, वहाँ से आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए ये हमने देखा कोलन क्लासिफिकेशन में नोटेशंस को कैसे इस्तेमाल किया गया है, अब देखते हैं पॉपुलरिटी को लेकर कि क्या यूज़ हो रहा है और कितने पॉपुलर हैं ये नोटेशन हमारे क्लासिफिकेशन स्कीम में। देखिए सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर क्लासिफिकेशन स्कीम है वो है आपकी DDC। इंडिया में भी बहुत सारी लाइब्रेरीज आज भी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी DDC का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्कीम कौन सी आई थी? DDC। सबसे ईजी फ्रेंडली मतलब यूज़ करने में बहुत आसान कौन सी है? DDC।
कम झंझट में, मतलब कम प्रॉब्लम्स में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट इसमें मिल सकता है, वो आपकी DDCA है। इसलिए ये आज भी इतनी ज़्यादा यूज़ होने वाली क्लासिफिकेशन स्कीम है। अगर देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन स्कीम का दर्जा DDCA को दिया गया है। यूज्ड अबाउट 200,000 लाइब्रेरीज इन 140 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। ये तो बहुत पुराना डाटा है, अब तो और भी ज़्यादा लेवल पर ये इस्तेमाल हो रहा होगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो आज भी DDCA इस्तेमाल होती है। 34 लैंग्वेजेस में इसके ट्रांसलेशन आज तक हो चुके हैं। ठीक है, सोचिए इंग्लिश में बनी थी, बट जैसे कुछ मेजर लैंग्वेज हिंदी में इसका ट्रांसलेशन हुआ है, अरबिक में हुआ है, और वियतनामीज में हुआ है, जापानीज में हुआ है, कुछ अफ्रीकन लैंग्वेजेस में भी एक दो था, यूरोपियन लैंग्वेजेस में, फ्रेंच में हुआ है, जर्मन में हुआ है। तो ऐसी मेजर लैंग्वेजेस में इसका क्लासिफिकेशन, सॉरी इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। UDC सेम जैसे हमारी DDCA है वैसे ही हमारी UDCA है, बट हाँ जो थोड़ी बहुत इसमें एडिशंस किए गए थे DDCA में, जो भी थोड़ी बहुत सुधार की गुंजाइश थी वो करके यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम बनाया गया था, और फिर भी यही ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। ये नहीं, आप देखेंगे 125 कंट्रीज़ में जो डाटा दिया गया है, 125 कंट्रीज़ जिसमें से ये इस्तेमाल हो रही है, 34 मेन क्लासेस में, मतलब कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें होती हैं, और अभी तक इसको 39 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है UDCA को। बट पॉपुलरिटी के लेवल पर देखा जाए तो DDCA ही मिलती है। LCC में क्या है, मेजरली ये मैंने आपको जैसे बताया कि लाइब्रेरी कांग्रेस, अमेरिका की जो पार्लियामेंट थी, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स और वहाँ की बुक्स को अरेंज करने के लिए क्लासिफिकेशन स्कीम बनाया गया था। तो मेजरली जो LCC है वो अमेरिका के लिए ही बनी थी और अमेरिका में ही यूज़ हो रही है। अभी भी कुछ अमेरिकन स्टेट्स ऐसे हैं अमेरिका कंट्री के जहाँ पर ये अभी भी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है LCC वॉज डिजाइन ओनली फॉर द लाइब्रेरी इटसेल्फ, इट हैज बीन यूज्ड इन अबाउट द 60% ऑफ द US लार्ज पब्लिक। अभी भी मेजरली ये उसमें हो रही है अमेरिका में। नेक्स्ट है SCC कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन इंडिया में इंडिया के फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा बनाई गई थी। अभी तक इंडिया में इसको 20 यूनिवर्सिटीज़ में इंप्लीमेंट किया गया है। इंडिया की बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कोलन क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी आज भी इंडिया में बहुत कम लोग हैं या बहुत ऐसी कम लाइब्रेरीज़ हैं जो कोलन क्लासिफिकेशन को इस्तेमाल करती है। इससे ज़्यादा कोलन क्लासिफिकेशन ज़्यादा हमारे इंडिया में DDCA इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, तो ये था। और क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा, DDCA क्लासिफिकेशन स्कीम इंडिया की बनी हुई है कोलन क्लासिफिकेशन, और फिर भी हमारे इंडिया में इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि डाटा शेड्यूल्स एंड लैक ऑफ सम सपोर्ट ऑफ बैकअप सर्विसेज, इन चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये चीज़ें अभी भी अपने फुल मोड पर नहीं आ पाई हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, ये टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। चैनल अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।